अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है हम रोज आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई बिजनेस टिप्स और मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज की वीडियो जो है वो आपकी आप जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को पूरा अगर देखेंगे तो आज हम ऐसा जबरदस्त आइडिया आपको देंगे कि जिससे आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी सिलसिला आप अगर चलाते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो कोई भी काम करते हैं आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही फायदा होगा। और जनाब इसमें आपका कारोबार जो है वो दिनों में तरक्की करेगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी काम आप करेंगे उसमें नुकसान नहीं होगा, उसमें आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। इस बंदे ने बल्ब बनाया था, उस वक्त उसको ये नजर आ रहा था कि आने वाले वक्त में बल्ब की क्या अहमियत होनी है, लाइट की क्या अहमियत होनी है। जिस बंदे ने साइकिल बनाई थी उसको पता था कि आने वाला दौर जो है उसमें लोग पैदल नहीं चलेंगे, उनको सवारी की जरूरत पड़ेगी। वो चाहे साइकिल हो, चाहे वो किसी भी तरीके की इस तरह की सवारी हो, वो आने वाले वक्त में बेसिक जरूरत बनेगी। इसीलिए उसने जनाब साइकिल के ऊपर काम किया और साइकिल बनानी शुरू की। इसी तरह जिस बंदे ने टेलीफोन बनाया उसको पता था कि दुनिया जो है वो इस लेवल पे जाएगी कि दूर दूर एक दूसरे के साथ रابطہ करने के लिए बंदे को वहां पे उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे यहाँ पे बैठा हुआ बंदा भी दुनिया के दूसरे किनारे में बैठे हुए बंदे के साथ बात कर ले। तो इस चीज को देखते हुए, इस चीज को समझते हुए उसने जनाब टेलीफोन के ऊपर वर्किंग की और उसने जनाब उसको ईजाद किया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमें ये सबक देती हैं कि जो मार्केट की डिमांड है, जो मार्केट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये अच्छा जी इस चीज का गैप है, या जो हम समझते हैं कि यार आने वाले टाइम में इस चीज की जरूरत पड़नी पड़नी है, या इस चीज की डिमांड जो है वो पैदा होनी है और ये इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होनी है, तो हमें अगर उस चीज को हम पकड़ेंगे, अगर उस कारोबार को करेंगे, अगर उस काम को शुरू करेंगे, तो हमें जनाब उसमें फायदा ही फायदा मिलेगा। उसमें नुकसान वक्ती तौर पे हमें फील हो सकता है कि जनाब ये नुकसान है, लेकिन आने वाले टाइम में उसके अंदर फायदा ही फायदा होगा। तो मार्केट की डिमांड को देखते हुए, जो उस वक्त लोगों की जरूरत है, अगर उस चीज को देखते हुए हम चलेंगे तो जनाब हम उसमें नुकसान नहीं उठाएंगे, हमें उसमें फायदा ही फायदा होगा। तो हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी बाजार में जाते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं, किसी शॉपिंग प्लाजे में जाते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि जनाब वो बेशुमार लोग जो हैं बेशुमार तरह का कारोबार कर रहे हैं, बहुत तरह की काम वहां पे कर रहे हैं। कोई बंदा वहां पे रेडी लगा के भी खड़ा है, उसको नजर आ रहा है कि जी अच्छा जी यहाँ पे लोग आएंगे तो वो मेरी रेडी पे ये चीज देखेंगे तो वो लोग ये खरीदेंगे भी। तो इसी तरह आप देखेंगे कि वहां पे लोग आइसक्रीम लगा के भी बैठे हुए हैं, इसी तरह आप देखेंगे कि ना वहां पे किसी ने शीशा भी रखा हुआ है, तो लोग वेट मशीन रख के भी बैठे हुए हैं कि लोग आएंगे अपना वजन करेंगे तो उससे भी वो पैसे कमाता है। इसी तरह बेशुमार लोग आपको नजर आएंगे उस मार्केट जिसके अंदर आप गए हैं, वहां पे आपको बेशुमार लोग जो है वो अटैच नजर आएंगे। कोई गले लगा के भी बैठा होगा, किसी ने जनाब वहां पे फ्रूट चाट लगाई होगी, कोई जनाब समोसे लगा के बैठा होगा, किसी ने जूतों की जनाब रेड़ी लगाई हुई है, तो इस तरह बेशुमार लोग आपको नजर आएंगे। ये सारे कौन लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनको नजर आ रहा है कि जी इस मार्केट में जिस बंदे ने आना है तो हो सकता है उसको वहां पे भूख भी लगे तो वो दही भल्ले खाएगा, हो सकता है वहां पे किसी को प्यास लगे तो वो वहां पे जनाब कोल्ड ड्रिंक पिएगा या जूस पिएगा, हो सकता है कोई बंदा आए उसको जनाब वहां पे जूते की जरूरत पड़ जाए वो जूता ले लेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी मार्केट की डिमांड है, उस एरिया की डिमांड है, उस एरिया की जरूरत है, जिसको देखते हुए लोगों ने ये छोटे छोटे काम वहां पे किए हुए हैं। तो जो जरूरत के तहत काम करता है, जो उस डिमांड के तहत काम करता है कि जी यहाँ पे इस चीज का गैप है, उस चीज का काम करता है, तो उसका वो काम जो है वो ज्यादा चलता भी है, अच्छा खासा चलता भी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी प्लाजे में जाते हैं, किसी बाजार में जाते हैं, तो कोई भी आप कारोबार करना चाहते हैं तो पहले उस चीज को स्टडी करें कि मैं अगर इस मार्केट में कोई काम करना चाहता हूँ तो मुझे किस चीज का काम करना चाहिए। आप उस वहां पे जाके उसका गैप ढूंढिए कि इस चीज का यहाँ पे गैप है। पे आप देखते हैं कि जी मार्केट तो बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ पे जनाब किसी के पास ना तो ठंडा पानी है, ना कोई कोल्ड ड्रिंक रख के बैठा है, ना किसी के पास आइसक्रीम है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो वहां पे आप अगर आइसक्रीम लगा के बैठ जाएंगे, वहां पे आप कोल्ड ड्रिंक रख के बैठ जाएंगे तो उसमें आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई और बंदा नहीं है या बहुत ज्यादा इसके अंदर कंपटीशन नहीं है, या एक आध बंदा और कर रहा है तो दूसरा आपने शुरू किया है। तो जाहिर है मार्केट में जब लोग आते हैं वहां पे उनको इन चीजों की जरूरत पड़ती है तो वो आपसे परचेज करेंगे, जब आपसे परचेज करेंगे तो उसमें उनकी जाहिर है जरूरत पूरी हो जाएगी, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी चीज आपने करनी है, किसी भी मार्केट में काम करना है, आप जनाब वहां पे पहले जरूरत देखिए किस चीज की जरूरत है, किस चीज का गैप है। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझा देता हूँ
कि ये मिसाल अगर आप समझ जाते हैं तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी, सारी मेरी बात समझ आ जाएगी कि कहीं पे अगर बारिश हुई है और पानी खड़ा हुआ है, रोड के एक साइड पे जनाब स्टॉप है जहाँ पे लोग आके गाड़ी से उतरते हैं, तो सड़क की दूसरी साइड पे किसी का दफ्तर है, किसी की फैक्ट्री है या किसी का कोई भी वहां पे है, तो बहुत सारे लोगों ने सड़क के इस किनारे से उस दफ्तर में या उस फैक्ट्री में या उस एरिया में जाना है, लेकिन वो पानी के अंदर से गुजर के नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर से गुजर के जाएंगे उनके कपड़े भी खराब होंगे, उनके जूते भी खराब होंगे। तो वहां पे अब किस चीज की जरूरत पैदा हो गई है, किस चीज की नीड नजर आ रही है, या कौन सी चीज जो है वो वहां पे कम नजर आ रही है, कमी नजर आ रही है, कि इधर से कोई बंदा उनको सर्विसेज दे और वहां पे उनको जो है पहुंचा दे, ताकि उनके कपड़े भी गंदे ना हो, उनके शूज भी गंदे ना हो, जूते भी गंदे ना। तो वहां पे अगर कोई बंदा रेडी लगा के खड़ा हो जाए, चाहे वो हाथ से चलने वाली हो, दो तीन चार बंदों को उसके ऊपर बैठाया, रेडी लेके गया, उस साइड पे उनको ड्रॉप किया, वहां से उनसे पर बंदे से 10-20 रुपए चार्ज कर लिए, तो वो लोग बड़ी खुशी से उसको देंगे भी। तो ये क्या है, ये उस वक्त की उस चीज की या उस जगह की ये डिमांड है, या इस चीज का गैप था वहां पे, या लोगों की जरूरत थी, वो जरूरत आप लोगों ने पूरी कर दी, तो जनाब वहां से इधर से लोगों को उधर आपने सर्विसेज दी और उसके आपने पैसे लिए, तो इसी तरह उधर से भी लोग इधर आ रहे होंगे, तो दोनों साइडों से आपने पैसे कमा लिए। तो ये कमी है उस चीज की वहां पे, ये गैप है वहां पे उस चीज का, सर्विसेज का, तो वो आपने प्रोवाइड किया, आपने उससे पैसे कमा लिए। तो इसी तरह किसी भी मार्केट में आप गैप ढूंढिए, गैप ढूंढेंगे, मार्केट की डिमांड ढूंढेंगे और उस चीज को आप करेंगे, उस कारोबार को शुरू कर लेंगे, उस काम को शुरू कर लेंगे, या वो सर्विसेज देनी शुरू कर देंगे, तो उसमें जनाब आपको अच्छा खासा फायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा उसमें। तो किसी किस्म का जब नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही फायदा होगा, तो वो आपका कारोबार, वो आपका काम जो है वो जनाब दिनों में उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी और उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने मिसाल दी है, इस चीज से आप सारी चीज समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने गैप ढूंढना है किसी चीज का, किस तरह से हमने डिमांड ढूंढनी है, उस डिमांड को हम पूरा कर देंगे तो वो जनाब हमें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी, आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा कर देगी कि हमने किस तरह से किसी भी जगह पे जाके तो हमने गैप ढूंढना है, उस काम को करेंगे तो हमें फायदा ही फायदा होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह की जबरदस्त किस्म की वीडियो और नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई बिजनेस टिप्स लेके आपके सामने आते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह नए आइडिया, नई सोच और नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।